अलावा बाटा और बर्ज ऑफ पेंस, इन दोनों पर सुमित अपना व्यू दीजिए, क्योंकि इन दोनों ही स्टॉक्स ने ना तो बाजार की कमजोरी में पार्टिसिपेट किया है, रिजल्ट्स भी अच्छे पेश किए और रिजल्ट से पहले ही इन स्टॉक्स में बाइंग आनी शुरू हो गई थी। अभी और कितनी स्टीम बाकी है, जिन्होंने खरीदे हुए हैं क्या होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाइंग का स्कोप कितना है बाटा और बर्ज ऑफ पेंस में? देखिए बाटा के अंदर मेरे को ऐसा लगता है दीपाली, बाटा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बहुत मजबूत है। मार्केट्स की गिरावट के साथ बाटा को कुछ लेना देना नहीं है, बाटा अपनी मस्ती में है, बाटा अपने अपने ट्रेंड के साथ मेंटेन है और एक तेजी का व्यू दिखा रहा है। 1500 के ऊपर इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है, पॉजिटिव संकेत है। जब तक स्टॉक अपना नीचे पे सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक घबराने वाला कोई बात नहीं है। 1475-1480 का इसका नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 1540 से 1550 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाई भी किया जा सकता है, जो मैंने सपोर्ट का वो स्टॉप लॉस है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके चले। दूसरा स्टॉक कौन सा कहा आपने बाटा के साथ? बर्जर पेंट्स। ये भी मजबूत स्टॉक है, पेंट स्टॉक, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इन्होंने एक अच्छा अपमूव दिखाया है। बर्जर पेंट अगर आप लास्ट 20 दिनों का या 25 दिनों का मूव देखेंगे, 300 रुपए से स्टॉक वन वे चल रहा है और ऑलमोस्ट एवरी डे स्टॉक ने ग्रीन कैंडल यानी तेजी वाली कैंडल फॉर्म करी है और आज स्टॉक ने जो लास्ट 5-7 दिनों का कंसोलिडेशन था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। कल 370 के ऊपर निकलने पे स्टॉक में और तेजी बढ़ेगी, 380-390 ये लेवल इमीडिएटली स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं और 360-350 के आसपास नीचे में सपोर्ट बनाया अभी तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के।